यूर वॉचिंग एच पी टी वी युवा, क्योंकि जमाना है विदे यंगस्टर का और मैं हूँ आपकी होस्ट नाहिद। आप सभी को हैथवे बी टी वी युवा परिवार की ओर से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस नवरात्र आपके लिए लाए हैं कुछ खास, जिसके तहत हम मिला रहे हैं आपको नारी शक्ति के उन स्वरूपों से जिन्होंने अपना नाम रोशन किया। उसी के तहत आज हमारे साथ मौजूद है ऋचा कौर। अब आप सोच रहे होंगे ऋचा क्या कुछ किया है, इनका किए हुए काम, इनके इन्होंने जो कुछ किया है वो लिस्ट इतनी लंबी है कि वो ऋचा से ही जानते हैं। ऋचा क्या कुछ किया हुआ है आपने? थैंक यू फॉर कमिंग और सबको मेरा नमस्कार। जो लोग लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरा नाम है ऋचा गौर। मैं जयपुर के शहर की रहने वाली हूँ और 15 ईयर्स से मैं मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिसमें मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने मेडल्स लिए हैं और 6 टाइम्स नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, ब्लैक बेल्ट भी रही हूँ। इसी के साथ साथ इसी साल जनवरी 2016 में टॉप 100 वुमेन अचीवर ऑफ इंडिया का खिताब मुझे मिला है और हम सेल्फ डिफेंस को प्रमोट कर रहे हैं, मार्शल आर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट में, गर्ल्स के लिए राजस्थान पुलिस में, हरियाणा तक जाके भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और लगभग हर क्षेत्र में जाके हम गर्ल्स को, युवाओं को सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा में स्ट्रांग बना रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिल्कुल, नवरात्र पे जैसे एक रूप है माँ का दुर्गा, वही कुछ है ऋचा के अंदर। ऋचा शक्तिशाली है और सब लेडीज को, सब गर्ल्स को, सब महिलाओं को शक्तिशाली होने का एहसास कराती है। यही वजह है कि ये टॉप 100 अचीवर जो देश की रही हैं उसमें ऋचा का नाम आया है। ऋचा, सबसे पहले मुझे बताओ, बहुत छोटी हो, बहुत कम उम्र की है, मात्र 22 साल की है और इतना सब कुछ अचीव करने के बाद कैसा लगता है? मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं अपने स्टेट के लिए खेलती हूँ, अपने राजस्थान के लिए, इंडिया के लिए खेलती हूँ, कि स्पोर्ट्स और सेल्फ डिफेंस दोनों को भी एक साथ में लेकर आगे बढ़ रही हूँ। और जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, सेल्फ डिफेंस में मैं आगे प्रमोट कर रही हूँ, तो एक सोशल वर्क करके मुझे लगता है कि मैं लोगों को जागरूक करके महिलाओं को मैं स्ट्रांग बना रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, किसी भी लड़की के लिए, किसी भी महिला के लिए सेल्फ डिफेंस जानना कितना ज़रूरी है? मैं ये कहना चाहूँगी, जो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जितना ही एजुकेशन ज़रूरी है उतना ही सेल्फ डिफेंस ज़रूरी है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। किसी भी टाइम कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है, ज़रूरी नहीं है क्राइम्स घर के बाहर हो, क्राइम्स जो हैं वो घर के अंदर भी होते हैं। आप ट्यूशन जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, घर में बैठे हैं, कहीं भी जो माहौल है सुरक्षित नहीं है, हम लोग गर्ल्स खासकर, तो सेल्फ डिफेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि उसमें से कौन सी आर्ट आप सीख रहे हैं जो 100% आपको इफ़ेक्टिव है, और कभी भी आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो, चाहे वो वेपन्स के सामने, वेपन्स रख दिया है किसी ने आपके सामने या लॉक लगा दिया है गर्दन पे, उन सिचुएशन से कैसे निकलना है और कितनी जल्दी रिएक्ट करके आप वहाँ से निकल। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, नारी शक्तिशाली तो है ही, लेकिन उसे अपनी शक्ति का एहसास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऋचा, मुझे ये बताओ, कैसे ये करियर चालू हुआ, क्या कुछ तुम्हारी शुरुआत रही और कैसे रही? मैं स्कूल लेवल पे सीखती थी जब मैं 6 साल की थी, सीखते सीखते धीरे धीरे मुझे इंटर स्कूल खेला, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन बनी, मैं बेल्ट एग्ज़ाम्स क्लियर करती रही, और क्योंकि मैं टॉमबॉय टाइप रहती थी और स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट, सारे गेम्स खेलती थी मैं, और टाइकोंडो, किकबॉक्सिंग, ये ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें हमेशा मुझे इंटरेस्ट रहता था। तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था खेलना, मेडल्स मेरे आते थे, हर बार मेरे मेडल आते थे, हारती भी थी, जीतती भी थी, और 10th क्लास में आके मैंने फाइनल डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी फील्ड में आना है। और जब मैं मेरे मेडल्स लगते गए, मुझे मैं आगे सेल्फ डिफेंस भी मैंने स्टार्ट कर दिया सिखाना, मैं ब्लैक बेल्ट भी बनी, इंटरनेशनल कोर्स भी अटेंड करे, सीखे मैंने सारे, अकेडमी भी मैंने स्टार्ट करी, और मैं 17 साल की थी जब मुझे पुलिस को सिखाने का अवसर मिला। ये बहुत मेरे लिए बड़ा, वाकई बहुत गर्व की बात है, ना सिर्फ ऋचा के लिए बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए जो अपने अंदर एक शक्ति रखती हैं कि 17 साल की उम्र में इन्हें पुलिस को सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट सिखाने का मौका मिला। सेल्फ डिफेंस भी क्या सिखाया था पुलिस को? हाँ, सेल्फ डिफेंस एंड मार्शल आर्ट्स दोनों। ओके, यानी दोनों ही चीज़ें सिखाने का मौका मिला। और ऋचा, क्या लगता है तुमको, किसी भी लड़की को अगर सेल्फ डिफेंस आ जाएगा, सीख लेगी वो, तो क्या कुछ बेनिफिट मिलेंगे उसे? बेनिफिट है कि आप
आपके साथ स्ट्रीट पे कोई ऐसी हादसा हो जाता है और आप मुंह तोड़ जवाब देते हो, तो जो लोग देख रहे हैं उनको भी समझ आएगी कि हमें चुप नहीं रहना चाहिए। जब वो अकेली लड़की लड़ रही है तो हमें भी उसका साथ देना चाहिए बचाने में। आजकल क्या होता है, जो हम सोशल मीडिया पे इतनी वीडियोस आ रही हैं, न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि पब्लिक से कोई हेल्प करने नहीं आता है, तो हम लोग सामने जवाब देंगे पब्लिक के सामने और अपनी आवाज़ उठाएंगे, दब के नहीं रहेंगे, तो डेफिनेटली सोसाइटी पे भी असर पड़ेगा कि हम किसी से कम नहीं हैं। अच्छा, आज के यूथ की बात करूँ, आज की जो गर्ल्स हैं वो कितनी मजबूत हैं, क्या लगता है तुमको कि कितनी ताकतवर हो चुके हैं हम लोग? जैसे कि मैं एक एग्जांपल, आप साक्षी मलिक जी को ही देख लीजिए, ओलंपिक में जिनका मेडल आया है, पीवी सिंधु है। तो लड़कियां जो हैं गांव से, हर क्षेत्र से निकल के, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, स्पोर्ट्स हो, अपना सपना लेके चलती हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप अपने घर छोड़ के बाहर ट्रेवल करते हैं, दूसरी जगह पे मैचेस खेलने जा रहे हैं या ऑडिशंस के लिए जा रहे हैं, तब पेरेंट्स झिझकते हैं कि हम कैसे भेजें घर से बाहर अकेली लड़की को। तो यही सोचते हुए ही मैंने अपनी एकेडमी स्टार्ट की थी आज से 5-6 साल पहले, जिसके जहाँ जहाँ से 500 बच्चे मेडलिस्ट रहे हैं इंटर स्कूल, स्टेट, CBSE गेम्स, नेशनल्स में। तो कहीं ना कहीं मैं एज अ फीमेल ट्रेनर आगे निकल के आई और मैंने स्पोर्ट्स में अपनी स्टूडेंट्स को, गर्ल्स को आगे प्रमोट करा। तो ये दिक्कत आती है सबसे पहले कि घर से बाहर कैसे निकले, और उसके बाद एक पेरेंट्स को कन्विंस करना होता है कि वो भरोसे मिले, और इसीलिए सेल्फ डिफेंस ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी सीढ़ी को चढ़ते हुए ये सिचुएशन फेस कर सकते बिल्कुल ज़रूरी है। और वैसे नारी शक्तिशाली है ये आज से ही नहीं, उसी ज़माने से है, तभी तो हैं। नवरात्र प्रतीक है कि जब हम नारी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और ये मानते हैं कि वो अकेली ही खुद नहीं बहुत शक्तिशाली है, बस ज़रूरत होती है वक्त पर अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को दिखाने की। और नवरात्र चल रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि नवरात्र जब हम देवी की पूजा कर रहे हैं तो कहाँ खुद को किस तरीके से कनेक्ट करोगे नवरात्र? जो 9 देवियां हैं जो जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, व्रत रखते हैं, ये सारा डांडिया उत्सव है, ये सब चल रहा है, तो इसमें एक वुमेन सोसाइटी का प्रमोशन दिखता है, क्योंकि वुमेन सारी गैदरिंग होती है और उनका फंक्शंस होता है, इवेंट होते हैं, और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेती हैं और भगवान की पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैं लेडीज़ का अगर फेस्टिवल है मेन, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन्जॉय करते हैं, एक गैदरिंग अच्छी हो जाती है। तो इस चीज़ को हम लोग इस मार्शल आर्ट से इसलिए रिलेट कर सकते हैं क्योंकि वो एक शक्ति का प्रतीक है, और शक्ति हम में है। हम भी अगर हम हर हर लेडी के दो, वुमेन्स के दो साइड, जहाँ वो सेंसिटिव है, नाजुक है, वहाँ वो मजबूत भी है। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है कि नारी जितनी नाजुक दिखती है उतनी ही वो दृढ़ निश्चयी और इतनी ही शक्तिशाली है, यानी इतनी पावरफुल भी है। गरबा और डांडिया की बात ना हो तो कुछ बात अधूरी सी लगती है। क्या लगता है कि नवरात्र पे तुम खुद को, तुम एक स्पोर्ट पर्सन तो हो ही, तुम डांडिया और नवरात्र कितना एंजॉय करती हो और कैसे एंजॉय करती हो? लास्ट ईयर से मैं कई बार जो दैनिक भास्कर के जो प्रोग्राम्स होते हैं डांडिया के, उनमें मैं गई हूँ और अटेंड कर, हम लोग फ्रेंड सर्कल्स, फ्रेंड्स और साथ जाते हैं, फैमिलीज भी जाते हैं, और एक अलग ही माहौल रहता है पूरा, एक एक तरीके से इट्स अ फेस्टिवल, तो पूरा हम लोग इंजॉय करते हैं इसको, और रात शाम से लेकर रात तक डांडिया खेलते हैं, यानी डांस। वैसे भी जब भी कोई अगर इनके साथ होगा तो उनको डरने घबराने की जरूरत तो होती ही नहीं होगी, क्योंकि खुद में बहुत मजबूत है और हर लड़की कहीं ना कहीं खुद में बहुत मजबूत होती जी है। मैं अगर पूछूं आज की यंग जनरेशन के लिए, जिन्हें स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना हो, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगी, क्या कुछ टिप्स देना चाहोगी? इंडिया में स्पोर्ट्स में, राजस्थान में स्पोर्ट्स में, मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइफ इतनी आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल है, और स्ट्रगल करके प्लेयर आगे निकलता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बन रहा हो, वो स्टेट चैंपियन बन रहा हो, और या नेशनल में जा रहा हो, बस ज़रूरत है तो सही गाइडेंस की और सही ट्रेनिंग की। और आप ज़रूर, आप जो भी लक्ष्य बना रहे हैं, जिस भी स्पोर्ट्स में बना रहे हैं, आप उसकी स्टडी कर लें, पूरा देख लें कौन से मैचेस कहाँ हो रहे, क्योंकि कहीं फर्जी टूर्नामेंट्स भी होते हैं जो सिर्फ पैसे, एंट्री फीस कलेक्ट करने के नाम पे होते हैं, और बहुत बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है, कितने ही तो फर्जी ब्लैक बेल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा स्टडी कर लें, गाइडलाइंस ले लें, सही जने से गाइडलाइंस लें, और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें, और
पेरेंट्स को कन्विंस करे, उनका सपोर्ट रहेगा, घर से सपोर्ट रहेगा तो सब अच्छा होगा। अच्छा, स्पेशली गर्ल्स के लिए क्या कहना चाहोगे कि जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहती हैं उन्हें क्या कुछ टिप्स अपनाने चाहिए? सभी गर्ल्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी स्पोर्ट्स सीख रही हैं या जो जिस भी फील्ड में हैं, कोशिश करिए कि आप फीमेल ट्रेनर से सीखने का, क्योंकि बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं जो हमने मैंने न्यूज़ में पढ़े हैं और जो आते रहते हैं। एक हादसा मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बच्ची कराटे सीखने जाती है, सेल्फ डिफेंस सीखने जाती है, मार्शल आर्ट ऐसे बहुत सी हैं, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, जूडो। एक बच्ची कराटे सीखने जाती है और वहीं उसके साथ जो है मोलेस्टेशन होता है, मतलब बच्ची जो चीज़ सीखने जा रही है वहीं वो हो रहा है। तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहें और जहाँ कहीं भी जाएं ग्रुप में जाएं, और आप लोग की से कम नहीं हो, मैं हर 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 एक प्लेयर, हर एक खिलाड़ी सारी स्थितियों से फेस करके आगे निकलता है, कहीं भी रुके नहीं। आप अगर गिरना उठना दोनों बात है, अगर गिर जाते हैं गिरना कोई बुरी बात नहीं, गिर के उठे और मंजिल की तरफ आगे बढ़े, मंजिल भी करीब आएगी। अच्छा मुझे बताओ एज ए गर्ल क्या कभी ऐसा रहा तुम्हें अपने करियर बनाने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा हो? हाँ, बहुत मुश्किलें आती हैं। हम लोग मैचेस खेलने जाते हैं, फंड्स की प्रॉब्लम आती हैं, कभी कभी हम अगर हम बात करें सिर्फ ये कि खाली इसलिए कि तुम एक लड़की थी इसलिए तुम्हें वो परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, मैं जैसे आई एम फीमेल कोच ऑल्सो, अब मैं जब शुरू में मैं अपनी टीम लेके जाती सब हंसते थे कि ये फीमेल कोच कहाँ से आ गई टीम लेकर, और ये तो एक दो साल आएगी या बात भी नहीं लेके आएगी। तो कोई एज अ फीमेल कोच किसी ने मुझे एक्सेप्ट भी नहीं किया और बहुत पीछे से बहुत बोलते थे, और बहुत स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स भी देखते हैं हम लोग, देखते आए हैं हर स्टेप पे बैन कर देंगे या फिर ऐसा टॉर्चर वाला माहौल रहता है। और ये सब चीज़ें फेस करते हुए मेरे पेरेंट्स ने मुझे साथ दिया। मुझे आज भी ध्यान है जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जा रही थी थाईलैंड में, और हमें फंड्स का कोई स्पॉन्सर्स नहीं थे, गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिली थी, तो मेरे फादर ने पीएफ का पैसा निकाल के मुझे आगे प्रमोट किया, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं जाऊँ उस लाइन में, आगे बढ़ूँ जब मैं इतना पैशनेट हूँ। और वो सबसे, और दूसरी सिचुएशन सेम टाइम पे ये थी कि मेरे सेकंड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम्स थे, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम ड्रॉप करके अपना वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गई ये, और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई इंडिया पर। छोटी छोटी परेशानियाँ आती हैं जब आप अपने करियर को चालू कर रहे होते हैं तो सभी को फेस करना पड़ता है, वो ना सिर्फ लड़कियों के साथ होता है बल्कि लड़कों को भी फेस करना होता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होता है कि आप लड़की हो इसलिए आपको फेस करना पड़ा। वो कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब भी कोई अपना करियर चालू करेगा, कुछ नया करेगा, कुछ बड़ा करेगा, तो उसे उन छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और जब वो उन परेशानियों से बाहर निकलेगा तो जीत 100% उसकी होगी। अगर मैं ये पूछूं कि आप किससे इंस्पायर हुई तो वो नाम कौन सा होगा? देखिए, मैं बचपन से विजेंद्र सिंह, मैरी कॉम, किरण बेदी, इनके इनके लिए इनके स्पीचेस सुनती आई हूँ, मैचेस देखती आई हूँ। किरण बेदी और मैरी कॉम की जो लाइफ है उनसे मैं काफ़ी जो है इंस्पायर हुई हूँ। और मेरे फादर जो है एक छोटे से जगह से निकल के यहाँ तक आए हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव माहौल में मैं रही हूँ। और मैं हमेशा, मेरे फादर मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे, मेरे फादर का काफ़ी बड़ा रोल रहा है मुझे बचपन से लेकर अब तक सपोर्ट करने में। और मैरी कॉम और जो है किरण बेदी, ये मेरे फेवरेट्स रहे हैं, इनको मैं फॉलो करती हूँ। अच्छा, नवरात्र की बात करें अगर हम, हाँ, तो किस तरीके से नवरात्र मनाते हो, क्या कुछ करते हो नवरात्र पे? और चूंकि नवरात्र देवी की शक्ति का प्रतीक है और जितने फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं उनमें नवरात्र ऐसा है जब हम 9 दिन सिर्फ और सिर्फ देवी की आराधना करते हैं, तो क्या लगता है कितनी पावर मिलती है, क्या कुछ अच्छा फील करते हो नवरात्र के दौरान? मुझे अभी भी ध्यान है, हम लोग जब छोटे थे तो जो कंचले जमाते हैं उसमें जाते थे हम लोग, और लड़कियों का ग्रुप होता था, लड़कियाँ सारी जाती थी, और जो प्रसाद होता है वो लेते थे हम लोग। तो फिर बड़े हुए और मतलब ये माहौल जो ऐसा रहा है कि पूरे दिनों में पूजा चलती है, व्रत, जो कुछ लोग तो पूरे दिन व्रत रखते हैं, और एक माहौल ऐसा रहता है कि बस श्रद्धा से सब लोग जो है भगवान के लिए, उनकी पूजा के लिए उसमें लग जाते हैं, और एक तरीके से जहाँ व्रत भी रख रहे हैं और कुछ लोग डांडिया में भी जाते हैं, एक एनर्जी सी आ जाती है कि अब सब काम छोड़ दो और इसमें लग जाओ, भगवान की पूजा में और गरबा में। ये सबसे इंटरेस्टिंग जो है माहौल रहता है। अच्छा, हमारे जितने व्यूवर्स हैं, जितने यंगस्टर हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे स्पेशली सेल्फ डिफेंस से? युवाओं को, मैं यूथ एम्पावरमेंट पे भी काम कर रही हूँ, बॉयज़ को, गर्ल्स को, मैं सबको यही कहना चाहूँगी, आप
एक ड्रीम देखें, अपना लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य के पीछे तक आप दौड़ जाइए, अपने लक्ष्य के लिए जी तोड़ मेहनत करिए। और कंधे से कंधा, लड़कियां ज़रूरी नहीं है कि वीक है, अब लड़कियां कंधे से कंधा मिला के चल रही है। और पेरेंट्स जो है वो भी सपोर्ट करें अपने बच्चों को जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जहाँ जो कितने लोग तो पर्वत पे पहुँच गए, पहाड़ पे पहुँच के रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, पैरा ओलंपिक्स में हमारे इतने मेडल्स आए हैं, स्पोर्ट्स में, डांस में, सिंगिंग में, आपका जो भी लक्ष्य है आप उस लक्ष्य को बनाएं, उसको फॉलो करिए और लग जाइए, देखना मंजिल आपको ज़रूर करीब आते नज़र आएगी। अच्छा, एक सवाल जो जिसके बिना बात अधूरी लगेगी, क्योंकि हमारे यंगस्टर में बॉयज़ भी आते हैं, तो खाली सेल्फ डिफेंस लड़कियों को ही सीखना चाहिए या बॉयज़ के लिए भी सेल्फ डिफेंस आना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल, अक्सर ये एक दिमाग में होता है, सेल्फ डिफेंस मतलब हाँ लड़कियां हैं, लड़कियां, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, तो क्या लड़कों को भी सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लड़कों के लिए भी सेल्फ डिफेंस जरूरी है। रैगिंग्स हो रही हैं इतनी, आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दो चीज़ों का मैं पॉइंट में डिस्कस करना चाहूँगी कि सेल्फ डिफेंस दोनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं हमें कभी भी कुछ भी खतरा, कभी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कोई सीनियर परेशान कर रहा है, स्कूल में छोटे बच्चों को सीनियर परेशान करते हैं, या फिर आप रैगिंग में, रैगिंग ले ली जाती है इतनी भयंकर रैगिंग, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ ज़रूरत पड़े तो बॉयज़ को भी ट्रेनिंग आनी चाहिए, जितनी गर्ल्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, और बॉयज़ के लिए भी ये ज़रूरी है। और सेल्फ डिफेंस की जब बात आती है, जो इतने जो रेप्स अटैम्प्ट हो रहे हैं, इतने क्राइम्स हो रहे हैं, इसमें मैं चाहूँगी जो इतने सेल्फ डिफेंस कैंप्स लग रहे हैं महिलाओं के लिए, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्राइवेट की तरफ से, तो एक वर्कशॉप और एक कैंप बॉयज़ के लिए भी हो, ताकि वो लोग अपनी मेंटेलिटी सुधारें और सामने वाले के ड्रेस और लुक पे ना जाएं। और एक कैंप उनके लिए भी होना चाहिए कि जो मानसिकता में बदलाव लाने के लिए भी, ताकि क्राइम रेट्स कम हो। बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं है कि ये शो करना कि लो हम में शक्ति आ गई है। अरे, शक्ति है, आप में खुद से है, सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत है। स्पेशली गर्ल्स को अपनी शक्ति को बटोरना है, इकट्ठा करना है और दिखाना है कि कहीं हम पीछे नहीं हैं। जितनी हम नरम हैं, जितनी सॉफ्ट हैं, उतनी ही मजबूती हैं। सेल्फ डिफेंस आप में शक्ति के साथ कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है। तो इस नवरात्र हम यही आशा करेंगे आपसे कि आप अपने आप को शक्तिशाली माने और बहुत कुछ बेहतर करें अपने लिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। इस सीरीज के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर, बाय बाय।